स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस जो है वो नेचर ऑफ रूट्स पे हैं कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताओ, मतलब रूट्स किस किस की क्या क्या वैल्यू आएगी, किस टाइप की वैल्यू आएगी, नेचर मतलब किस टाइप की वैल्यू आएगी। तो इसमें लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर हम पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट, यानी जो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स की वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो नो रियल रूट्स। मतलब यानी कि अगर रियल रूट्स की बात करूं तो फर्स्ट केस है और सेकंड केस, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये दो केस होते हैं तो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए तो हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, उसमें हमें सिंपल लिख देना है नो रियल रूट्स। इसमें भी लिखा है इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, अदरवाइज हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप की लैंग्वेज, जो इज इट पॉसिबल या इस तरह कुछ भी लिखा हो, वो है क्वेश्चन, उस टाइप से हमें करना है। तो पहले इसे इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, तो ए आ जाएगा टू, बी हो गया माइनस थ्री, सी हो जाएगा फाइव। अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फाइंड आउट कर लेंगे, तो b इज माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आ जाएगा आपका टेन माइनस का फोर्टी, यानी माइनस का थर्टी वन। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। और अगर नेगेटिव है तो हमें रूट्स फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। और अगर सपोज करो ये और ये केस आता तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया है वो अप्लाई कर देंगे, वो सबसे ईजी पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो आपको फॉर्मूले में पुट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो सेकेंड पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो यहाँ से ए आ जाएगा थ्री, बी आ जाएगा माइनस फोर रूट थ्री और सी आ जाएगा फोर। तो सबसे पहले काम है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी माइनस फोर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फोर। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट, और ये फोर इंटू फोर सिक्सटीन, ये भी फोर्टी एट आएगा, यानी जीरो आ गया। तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे रियल होंगे या इक्वल होंगे। तो जो भी है अब उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो अगर हम ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी के लिए हमारे पास है माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट जीरो अपॉन टू इंटू थ्री, ए के लिए थ्री, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर रूट थ्री प्लस माइनस जीरो अपॉन सिक्स। तो एक बार पॉजिटिव केस लेंगे, एक बार नेगेटिव केस, मतलब केस वन में अगर हमने एक्स इक्वल टू फोर रूट थ्री, ये हमारा जो आंसर आया, प्लस जीरो पॉइंट सिक्स लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा टू, ये आ जाएगा थ्री, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू रूट थ्री अपॉन थ्री। और केस टू अगर लेते हैं तो एक्स इक्वल टू फोर रूट थ्री माइनस जीरो अपॉन सिक्स, इसमें भी टू रूट थ्री अपॉन थ्री आएगा। तो दोनों से वैल्यू क्या सेम आएंगी, और इसका मतलब भी था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसमें जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो थर्ड पार्ट है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए आ जाएगा टू, बी आ जाएगा माइनस सिक्स, सी आ जाएगा थ्री। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स,
फोर इंटू टू एट, एट इंटू थ्री 24, तो ये कितना आ जाएगा 12। अब इसके बाद अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, नहीं पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी ये मुझे फाइंड आउट करना है। लिखना चाहो तो लिख लो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस केस में हमें ये आंसर मिलेगा। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपकी है माइनस सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वेल्व आया, टू इंटू ए की वैल्यू है टू, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व के अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो टू इंटू टू इंटू थ्री आएगा, तो टू बाहर आ जाएगा, टू रूट थ्री अपॉन फोर, इन दोनों में टू कॉमन मिल जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हटा ही देते हैं, ये टू कॉमन मिल गया, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री प्लस माइनस, इसमें से टू कॉमन गया, रूट थ्री अपॉन फोर, ये टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार केस वन ले लेंगे, केस वन में पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू, और केस टू में एक्स की हो जाएगी थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू, तो ये दो आंसर हो जाएंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी इक्वल टू जीरो, उसकी हेल्प से हमें के फाइंड आउट करना है। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, जिससे ए आएगा टू, बी आ गया के और सी हो जाएगा थ्री। अब हम अप्लाई कर देंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, अब रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो बी हमारा क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए एच टू सी एच थ्री इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू एट, एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। अब ट्वेंटी फोर को अगर हम राइट हैंड साइड करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फोर, स्क्वायर रूट कर देंगे तो के आ जाएगा प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर। तो अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो टू एक बार आ जाएगा तो टू रूट सिक्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा, के की हो जाएगी प्लस माइनस टू रूट सिक्स। तो सेकेंड पार्ट में भी हमें वही के फाइंड आउट करना और रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो लिखा है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो के एक्स स्क्वायर जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए आ जाएगा के, बी आ जाएगा माइनस टू के और सी आ जाएगा सिक्स, तो सिंस रूट्स आर इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो बी हो जाएगा माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए है आपका के, सी है सिक्स इक्वल टू जीरो, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो, इन दोनों में फोर की कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो फोर के इक्वल टू जीरो किया तो के इक्वल टू जीरो, और एक केस में क्या होगा के माइनस सिक्स को जीरो किया तो के की क्या आएगी सिक्स। अब के जीरो भी आया सिक्स भी आया, लेकिन जीरो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है के, अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो फिर हम ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो लिखते हैं सिंस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो के कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इक्वल टू सिक्स।
तुम्हारा ये फाइनल आंसर होगा के इक्वल टू सिक्स इस क्वेश्चन को। तो हमेशा याद रखें जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है के फाइंड आउट करो तो ये चेक कर लो कि कहीं वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ना हो। थर्ड क्वेश्चन में है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगलो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो जब भी ये लाइन लिखी होगी इज इट पॉसिबल, इसका मतलब है कि आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करना है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आया तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इज इट पॉसिबल के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी कंडीशन गिवन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और इसके बाद सॉल्व करने से पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट करो। तो पॉसिबल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा तभी आंसर फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम लिख देंगे नो रियल रूट्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो फिलहाल चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ में कंडीशन गिवन है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो लेट कर लिया कि अगर बी एक्स है तो एल क्या है ट्वाइस यानी टू एक्स हो गया। एरिया हमारे पास है 800, एरिया होता है एल बी इक्वल टू 800, एल इज टू एक्स बी इज एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400। इसको अगर एलएचएस में करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ वन है तो ए इक्वल टू आ जाएगा वन, यहाँ एस का कोई टर्म नहीं और यहाँ बी एक्स है तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म सी हो जाएगा माइनस 400। जब ए बी सी आ गया तो पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से चेक कर लेते हैं, तो बी जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस 400, ये तो जीरो हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस यानी आगे 1600। ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है तो इसका मतलब रूट्स पॉसिबल होंगे, तो हमें फाइंड आउट करना होगा क्योंकि मैंने बताया दो रूट्स हैं, अगर पॉजिटिव आया या ग्रेट इक्वल टू जीरो आया तो हम फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज लिख देंगे इज इट नॉट पॉसिबल। तो हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो यहाँ पुट करते हैं b के लिए जीरो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ जाए 1600 अपॉन टू इंटू ए, ए वन है, ये तो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा तो प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 40, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 20। तो लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, लेंथ या ब्रेथ कोई भी चीज नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हम एक्स को कंसीडर करेंगे 20 मीटर, यानी बी हो गया आपका 20 मीटर, ये बी हो गया और एल हो जाएगा 2x के अकॉर्डिंग 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपको पहले कंडीशन से क्वाड्रेटिक बनाना है और फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करना है, अगर वो लेस देन जीरो है तो हम लिख देंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल, अदरवाइज हमें फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स एंड 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। तो अगर हम लेट कर लें लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, तो सेकंड फ्रेंड जो है अगर दोनों का सम 20 है, मैंने एक एक्स लिया तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब 4 इयर्स अगो में एक कंडीशन दे रखी है, तो 4 इयर्स अगो तो अब फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 4, क्योंकि जो भी आपकी अगर प्रेजेंट एज है उसमें अगर मैं पूछूं 4 साल पहले क्या हो गया माइनस 4 कर दोगे, ऐसी सिमिलर सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 इज 16 यानी 16 माइनस एक्स। अब उनका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी इन दोनों का मैं क्या करना है प्रोडक्ट कर देना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64
माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल टू 48। अब देखते लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 16 और ये 420 हो गया, तो 20x माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 64 है, इसको भी अगर मैं एलएच में लाऊं तो ये माइनस का 48 आएगा, तो 20x माइनस का x स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया आएगा 8 प्लस 4 12, तो ये आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर हाइट डिटर में पहले लिख लेते हैं, फिर एस का, फिर इसका, तो और इसमें माइनस का टर्म है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए कितना होगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो ए इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20, c इक्वल टू 112। तो फाइंड आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आ गया 400, यहाँ से आएगा 448, यानी कि माइनस का 48, ये आप नेगेटिव आ गया, तो ये लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो पॉसिबल होगा तभी हमें फाइंड आउट करना है, अदरवाइज हमें फाइंड आउट नहीं करना, इस क्वेश्चन में आंसर यहीं छोड़ देना है। नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। अगेन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो अगर हम इस क्वेश्चन में लेट कर लें कि एल मेरा एक्स है और बी मेरा वाई, तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है पैरामीटर में, तो पैरामीटर में गिवन है इक्वल टू 80 मीटर, तो पैरामीटर होता क्या है 2l प्लस b, 2 से डिवाइड किया तो x प्लस y क्या आ जाएगा 2 से यहां डिवाइड हो जाएगा 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस x, तो y में एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 400, अब एरिया होता क्या है l इनटू b, तो x y इक्वल टू 400, y की रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो x ब्रैकेट y की रिपोर्ट 40 माइनस x इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400, ये दोनों इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे 1 है a की वैल्यू, b आ जाएगा माइनस 40 और c आ जाएगा 400। अब फाइंड आउट कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 40 तो माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 c इज 400 इक्वल टू माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस, ये भी 1600 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac और 0 आ गया, तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैंने बोला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो दोनों केस में फाइंड आउट करना है रूट्स पॉसिबल है, और पॉसिबल तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो माइनस बी, बी है माइनस 40 तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस ये तो जीरो है, टू इंटू ए, ए के लिए 1, तो ये तो जीरो है तो जीरो रहेगा, तो प्लस का 40 अपॉन 2, तो x आ जाएगा 20, तो x मैंने कह लिया था l, तो l हो जाएगा मेरा 20 मीटर और b है 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20, तो ये भी आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे दूसरी एक्सरसाइज के दूसरे चैप्टर के, लेकिन आज के लिए इतना ही।